हाय गाइस, तो आज हम क्लास 9th के सिलेबस के बारे में जानेंगे, आईटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट होती है, इसको हम फंक्शन इंग्लिश के नाम से पढ़ेंगे, जहाँ पे कम्युनिकेशन, ग्रीटिंग, टॉकिंग, टेलिंग और फ्रेमिंग के सारे टाइप्स, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, रिज्यूम कैसे बनता है, इन सबको कैसे चेक किया जाता है, लेटर कैसे टाइप करते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर हम सीखेंगे, कैसे क्या क्या करते हैं। फिर इसके बाद यूनिट सेकंड आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल आप पढ़े हैं, जानते हैं फंडामेंटल के बारे में, इसके पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको रिवाइज़ करने का एक बार फिर से मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद जो आपका होगा ये होगा मास्टरिंग टाइपिंग। यहाँ पे क्या होगा, आपको टाइपिंग करना सिखाया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट आपका यहाँ पे सेशन में दिया गया है गेटिंग स्टार्ट विथ टच टाइपिंग। यहाँ से आपको टाइपिंग करते समय कीबोर्ड को कैसे टच किया जाता है, कैसे उसमें आप की को प्रेस करते हैं, कैसे हाथों को सेट किया जाता है, ये चीज़ बताया जाता है। यूजर एक्सपीरियंस आपको बताया जाएगा, बिगिन लेसन्स और बिगिन स्टैटिक्स, वर्किंग विथ लेसन एडिटर, कैसे हम क्या एडिट करते हैं, ये चीज़ें। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप पहले इसको अगर आप पढ़े होंगे 7, 6, 8 में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम तब जानते होते हैं एमएस वर्ड के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको जानते हैं वर्ड प्रोसेसर के नाम से, और इसी का दूसरा नाम होता है वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड राइटर, ठीक है, इसके 3 नाम हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है ये होता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट को हम अगर पहले पढ़े हैं तो उसको हम जानते थे एमएस एक्सेल के नाम से, ठीक है, अब लेकिन इसमें हम क्या जानेंगे, अब हम इसे पढ़ेंगे स्प्रेडशीट के नाम से, तो इसको भी पढ़ना है हमें। और फिर इसके बाद यूनिट 6 जो होती है ये होता क्या है, ये है आपका डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये भी एक पावर पॉइंट का है, जैसे कि आप पहले अगर पढ़े हैं तो इसका नाम जानते होंगे एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हमारा जो होगा वो होगा ईमेल मैसेजिंग टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, ईमेल मैसेज कैसे टाइप करते हैं उसके बारे में पहले हम जानेंगे, ईमेल होता क्या है, और फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे, और फिर कैसे हमें टाइप करना है मैटर, कैसे हम आउटलुक से जुड़ते हैं, और कैसे इस पे वर्क करते हैं, कैसे इस पे मैसेज राइट करते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको यूनिट 7 में सिखा दी जाएगी। इसके बाद आपका जो सिलेबस होता है बस यहीं तक है और वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम इसको पर डे क्या होगा, चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब भी आप चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट से लेके लास्ट तक पढ़ाऊँगा, आप चैनल में जुड़े रहें और पूरा पूरा वीडियो को एंजॉय के साथ पढ़ें। और इसमें आपको नोट्स बनाना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरी की पूरी नोट्स दे दूंगा, वहाँ से आप टाइप करके बना सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।